तो यार किसी के पास ज़्यादा पैसा होना बहुत ही आम बात है, लेकिन एक बड़ा दिल होना बहुत बड़ी बात है। तो आज हम आप लोग को एक ऐसे इंसान से मिलाने जा रहे हैं जिसका दिल अंबानी के तिजोरी से भी बड़ा है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है शुक्लाजी लाइफ चैनल के एक नए ब्लॉग में। और आज जो है हम अकेले नहीं जा रहे, हमारे साथ हैं जियास और ये मेरा दोस्त है, खैर ये मेरा जूनियर है पहली बात। और आज हम जहाँ जाने वाले हैं वो है दादी की रसोई। जूनियर ये है, ये ज़्यादा बंदरगिरी मत कर पीटने लगूंगा। तो आज हम जाने वाले हैं नोएडा में, नोएडा सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन पर उतरेंगे हम, और वहाँ से जाएंगे सेक्टर 29 में, जहाँ हमें मिलेंगे दादी की रसोई वाले दादा जी से, मतलब अंकल जी से मिलेंगे हम वहाँ पे जाके, और दिखाते हैं वहाँ पे क्या क्या है। बहुत ही क्या कहते हैं, मेरा भी बहुत मन था उनसे मिलने का, तो यार बस मन बन गया और चल रहे हैं आज। बहुत गलत इंसान है ये बहुत गलत इंसान, ये सीट ले कुछ भी कर सकता है। और हम फाइनली नोएडा पहुंच गए, नोएडा सेक्टर 18 में, और यहां से जाएंगे हम सेक्टर 29 में, जहां हमें मिलेंगे दादी की रसोई हमारे अनूप खन्ना जी से, अनूप खन्ना अंकल से मिलेंगे हम। और नोएडा आते ही हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा, और यहां के जो सही चीज़, यहां के जो वो है ई रिक्शा है, ये बिल्कुल अलग है वहाँ के। नेक्स्ट दुबई। तो अभी हम चलते हैं इस वाले रिक्शे में, निकलते हैं और पहुंचते हैं अंकल के पास, वहां जाके उनसे कुछ बातें करेंगे और आपसे शेयर करेंगे जो भी एक्सपीरियंस रहेगा। और यार हम इलेक्ट्रिक रिक्शे में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमें एक भैया ने बताया कि ये रोड क्रॉस करते ही सेक्टर 29 चालू हो जाता है, तो हम वहाँ पर चलेंगे ऑन फुट, तो हम पैदल ही चलेंगे। और यार बारिश होने लगी है और पता नहीं है कि बारिश में वो इंसान नहीं है, पागल इंसान हाल तो मिले क्या है बच्चे को, केस करूँगा केस। अरे केस क्यों करेगा बच्चे, पहुँचाते हैं। अब देखिए बारिश होना शुरू हो गया, बट पता नहीं खुला भी होगा कि नहीं, बट हम लोग ट्राई करते हैं, चलते हैं। और यार वॉकिंग डिस्टेंस कहने के लिए है भाई, लेकिन कुछ पता ही नहीं चल रहा, हम इतना घुमा घुमा के आ गए। लेकिन एक बात है, यहाँ पे अमीर ज़ादों की सिटी है ना। और यहाँ पे आके बिल्कुल घर वाली फीलिंग है, क्योंकि यार हम दिल्ली में थोड़े ना, यार यूपी अपना देश है भाई, अपना गाँव है। सो गाइस हम आ गए हैं यहाँ पे दादी की रसोई में, और वहाँ पे चल रहा है दादी की रसोई का कार्यक्रम। और फाइनली हमने अंकल से मिला अभी और पूछा, हमने परमिशन लिया उनसे वीडियो बनाने का, और वो बोल दिए, मतलब हम लोग को परमिशन दे दिए हैं। और सोचने वाली बात है कि इतनी तेज़ बारिश, मतलब अभी बारिश हो रही है इसके वजह से इतनी भीड़ नहीं है यहाँ पे, बट अंकल ने इतनी मतलब बारिश में भी अपनी दुकान खोली रखी है, बहुत बड़ी बात है। और खाना सर मतलब अपने काम से पीछे हटना नहीं है अंकल को, ये बहुत ही बड़ी बात है। तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या खाने में आज का मेन्यू क्या क्या है। और बाकी अंकल की दवाई की भी है शॉप है, दवाई की भी, तो सारी चीज़ें आपसे दिखाएंगे हम, तो आइए दिखाते हैं। कुछ बताएं आपको या फिर कुछ भी अंकल से बात बात करें, उससे पहले बहुत तेज़ भूख लगी है, तो हम पहले चलेंगे और खाना खाएंगे। तो यहाँ का नियम है कि लाइन लग के खाना लेना होता है, तो हम पहले लाइन में लगेंगे और फिर खाना लेंगे। तो आइए रोटी लेगा, मीठा लेगा, क्या लेगा बेटा? मीठा लेंगे, मीठा ये दो। आप रोटी लेंगे मीठा? मीठा ही लेंगे, मीठा ही। Check us.
जी हाँ जी, अभी बाकी हैं, अभी खा रहे हैं, अभी इनका कंप्लीट नहीं हुआ तो इनके खाने का वेट करते हैं और फिर चलते हैं अंकल से थोड़ी सी बात करेंगे। मैं इसका चोर है, चोर 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 कौन चोर है? आप चोर यार। अंकल ने खाना तो खाना लेकिन पानी भी रुआब्जा वाली रखी है, आप देख सकते हैं ये रुआब्जा। यार बहुत कुछ मिल रहा है यार 5 रुपए में यहाँ पे। तो ये लाइन लगी हुई है अभी और खाना पीना चल रहा है, बारिश भी हो रही है, देख रहे हैं कीचड़ हो गया पूरा। लेकिन अंकल जो हैं अपने कपड़े वाले दुकान और क्या कहते हैं दवाइयों वाले में हैं, तो हम उनसे चलेंगे और मिलेंगे। तो देख सकते हैं ये दादी माँ का सद्भावना स्टोर, और यार यहाँ पे खाना पीना कपड़ा और दवाई सब चीज़ बहुत कम रेट में या फिर फ्री मान लो वैसे ही है। 10 रुपये में कपड़े मिलते हैं यहाँ पे, और शादी वादी के लिए जो कपड़े होते हैं वो फ्री होते हैं, बस आपको ड्राई क्लीन करा के वापस करने होते हैं। और जो दवाई है वो मार्केट से काफ़ी सस्ती रेट पे मिलता है। और ये पैसे लेने का जो है जो बात है, पैसे लेने की बात है, वो अंकल आपको खुद बताएंगे थोड़ी देर में। अभी अंकल वीडियो बनवा रहे हैं, दूसरे लोग भी आए हैं दूसरे लोग, और यहाँ के ये यूट्यूब पे वीडियो बनाने वालों का सिलसिला चलता रहता है, तो हम भी उसमें से एक हैं, हम भी आए हैं वीडियो बनाने। और अंकल तो अंकल ये कब से आपने शुरू किया है? ये 4 साल हो गए बेटा इसको, सोशल वर्क तो बहुत पहले से 20-25 साल से हम लोग करते आ रहे हैं कुछ ना कुछ। तो अंकल शुरू से ही सोशल फील्ड में लगे हुए हैं? हाँ, मतलब हर एक के अंदर कुछ ना कुछ होता है। मेरे को यही लगता था कि जब कोई कुछ नहीं कर रहा है तो मुझे करना चाहिए, तो मैं यहाँ केमिस्ट का भी अध्यक्ष हूँ, 2,500 मेडिकल स्टोर हमारे साथ रहते हैं, तो उसकी मार्फत एक फील्ड फोर्स अच्छी मिल जाती है। तो अपनी मीटिंग में हम कोई कहते थे, बोले खन्ना जी आप इस काम को शुरू करिए, हम साथ हैं। सब जने मिल बांट के, जैसे पोस्टमार्टम हाउस था, देखा लाशें सड़ी गली पड़ी रहती थी, डेड बॉडीज़। तो मैंने कहा यार एक 2 डेड बॉडी का डीप फ्रीजर में डोनेट करता हूँ। केमिस्ट स्टेशन की तरफ से एक जनरेटर दिया गया, एक हमारे मित्र उन्होंने रिक्शा बनवा के दी बड़ी सी, और एक हमारे मित्र हैं और मोती कंसल जी, उनके पास एक एसी नया था, उन्होंने वहाँ एसी लगवा दिया। तो देखते देखते ये सारी चीज़ें बढ़ती चली गई। और ये खाने पीने वाला आइडिया, ये 4 साल से मेरी मदर ने शुरू कराया था, तो ज़रूरतमंदों के लिए, तो ये भी चल रहा है तब से। तो आप लोगों ने काफ़ी लोगों को इंस्पिरेशन भी दिया है अभी पटियाला 300 जगह। हाँ, 300-400 जगह पूरे इंडिया में चल रहा है ये समय, कोई हफ्ते में 1 दिन 2 दिन कोई लगातार भी चला रहा है, तो अच्छी चीज़ है। लोग मैंने देखा था यूट्यूब पे एक पटियाला में अंकल थे, बहुत सारे लोग हैं, मतलब पटियाला में 3 जगह चल रहा है, हर जगह मतलब ठीक है, किसी को 50 आदमी को खिलाओ 100 को खिलाओ, मेरा हर एक से कहना है भावना होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि। तो अंकल आप हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बता सकते हैं कि क्या क्या आप मतलब किस किस चीज़ों की सुविधाएं दे रहे हैं लोगों को? मेरी वेबसाइट है dadi-ki-rasoi.in, उस पर आपको सारी डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। और यहाँ पर अब लोगों का सहयोग है, अब जैसे भाई साहब भी आए हुए हैं, कोई भी आता है तो हम लोगों ने इसमें फुलके भी ऐड कर दिए हैं, रसगुल्ला है, पेड़ा है, फ्रूट्स हैं और मीठा शरबत है, रुआब्जा का पानी वगैरह सब ये साथ में मिला के दे देते हैं। बाकी ये जो पीछे देख रहे हैं ये कपड़े वगैरह और दवाइयाँ, कपड़े 10 रुपये में दे देते हैं, और शादी वगैरह वाले कपड़े, शादी का भी है वो लहंगे कुर्ते, तो वो काफ़ी हम उसका कोई पैसे नहीं लेते, अपने ले जाइए शादी वादी अटेंड करिए और उसे ड्राई क्लीनिंग करा के वापस कर दीजिए। तो अच्छा, भोजन कपड़ा और दवाइयाँ ये सस्ते दामों पे देने का एक ये छोटा सा कंसेप्ट। ये सस्ते दामों पे और फ्री में आप डिफरेंस बता दीजिए। मैं शुरू से आरक्षण और फ्री के खिलाफ रहा हूँ, तो इसलिए 5 रुपये फ्री सामान है, लेकिन फ्री नहीं है कम से आत्मसम्मान के लिए पैसे देना, स्वावलंबी बनाना चाहिए हर इंसान को, ठीक है ना। तो आप अंकल ये कपड़े वगैरह दिखा सकते हैं हमें थोड़ा? हाँ देखिए आइए। तो अंकल ने सारे कपड़े रखे हुए हैं, ये सब 10-10 रुपये में अंकल देते हैं, और वगैरह ये लहंगा जो है ये भी आपको मिल जाता है, बट ये ड्राई क्लीन करा के आपको देना होता है शादी के बाद। और ये सारे जो शादी के सेट्स हैं वगैरह सब, और ये सब दवाइयां हैं वगैरह वगैरह, ये यहाँ पे लोगों का आना जाना और कुछ ना कुछ अपना कंट्रीब्यूशन देना लगा रहता है। वैसे अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं और आपके पास टाइम या फिर जो अरेंजमेंट होती हैं उन सब की दिक्कत है, तो आप अंकल के पास आ सकते हैं, और जो भी आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं वो कीजिए यहाँ पे, क्योंकि अंकल जो है आपके सामानों का बढ़िया से यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना मतलब
₹5 में खाना खिलाना, दवाई देना और कपड़े देना यार बहुत बड़ी बात होती है। फिलहाल हमारा कंडीशन ऐसा नहीं है कि हम कंट्रीब्यूट कर सकें, बट फिर भी हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे। कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये तो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन हम बहुत कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने हिसाब से। लेकिन अब आए हैं तो कुछ कंट्रीब्यूट करके जाना था, तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी कोई इनकम नहीं आ रहा, इसलिए हम थोड़ा सा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं या फिर कुछ बढ़िया होता है हमारे साथ जिससे इनकम आनी शुरू होती है, तो हम कुछ बड़ा कंट्रीब्यूट जरूर करेंगे। और ये ऐसे आइडियाज़ अगर आपके दिमाग में आते हैं, अंकल ने आपको एक आइडिया दिया है, अगर आपके पास ऐसे कर सकते हैं आप, तो ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। हम कंट्रीब्यूट करते हैं और फिर आते हैं तो अंकल से कुछ बात करते हैं थोड़ी सी। हमने छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर दिया और वो इसका रिसिप्ट मिल गया हमें, और अब हम चलते हैं अंकल जी के पास। और जियास, तुम्हें कुछ कहना है तो कह सकते हो। हमें क्या कहना है, हमें तो कुछ कहने नहीं, हमें पूरी वीडियो में कुछ कहने नहीं दिया। कह लो भाई, कह लो, तुम्हारी चैनल है। वो तो हमें पता है, आधे पैसे तो हमें भी आधे पैसे तेरे लगे साले, आने का खर्चा भी मैंने दिया। जाने का, नॉट आने का। हाँ, जाने का भी तो दिया है ना। बहुत बड़ी बात है, ये भी एक ट्रस्ट चला रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड ट्रस्ट। और अंकल को दिखा दे भाई, पीछे मुड़। और देख सकते हैं यहाँ पे अंकल। तो हम वापस अंकल के पास आ गए हैं और अंकल से पूछते हैं कि वो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैं हर एक से कहता हूँ कि अपनी सेटिस्फेक्शन की लिमिट जरूर आप लोग फिक्स रखें, कि जो ज़िंदगी में आप चाहते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, जब वो अचीव कर लेते हैं तो फिर उसके बाद जितना है वो सारा लोगों के लिए समर्पित कर देना चाहिए। जैसे मैंने सोचा था कि मेरे बच्चे सेटल हो जाएं, मकान बन जाए, दुकान बन जाए, गाड़ी मिल जाए, हे भगवान ने सारी चीज़ दे दी, तो अब उसके बाद जो जीवन है वो थोड़ा सा समाज के लिए भी देना चाहिए। बिल्कुल अंकल, इसके साथ हमने थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किया जैसे हम कर सकते थे। एज ए स्टूडेंट हैं तो उतना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, और नहीं करना भी नहीं चाहिए। मैं यूथ से जब सबसे कहता हूँ कि करियर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, पहले आप लोगों के लिए करियर है, उसके बाद ही अब ये सोशल सर्विसेज में आई है। बहुत यूथ आता है अब जैसा उसके दिल में आता है, अंकल हम ये करना चाहते हैं। मैंने कहा आजकल इतना टफ टाइम है, करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहना बिल गेट्स का कि मनी इज़ नॉट एवरीथिंग, ये डायलॉग देने से पहले आपको इतना पैसा ज़रूर कमा ले, बिकॉज मनी इज़ एवरीथिंग। ज़िंदगी में जीने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है। और आप लोग अपना करियर बनाइए पहले, और हमारी एज में आने के बाद में ये सोशल सर्विस जरूर करिए। अंकल थैंक यू, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो विदा ले ली हमने अंकल जी से, तो हमने अंकल से मिल लिया और अब अंकल को बाय करके हम आगे बढ़ रहे हैं अपने वापस घर की तरफ। तो हमें तो अंकल से मिलके अच्छा लगा, आप लोग को वीडियो देख के कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इतना मतलब इतने ज्यादा लोगों ने उनको कवर किया है, इतने बड़े बड़े चैनलों पे आए, लेकिन ईगो और एटीट्यूड नाम की कोई भी चीज नहीं है, 0% माइनस। तो आप भी आओगे, आपको गले लगाएंगे, आपके साथ फोटो खिंचवाएंगे। हमें उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अंकल को इन्होंने बहुत ज्यादा, तो भाई हमारी तो आदत है जिससे जाते हैं अच्छे खासे खबरें ले लेते हैं। तो हमें ये वीडियो अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। हाँ, तो बस अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, नए पर्सन के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ। उसके साथ ही कहते हैं आपको बाय। और कुछ कहना है तेरे को? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।